सही है, तो आई होप कि यह समझ में आ गया होगा। चलो, मीन फ्री पाथ है इलेक्ट्रॉन इन मेटल, एक मेटालिक मेटल है उसमें मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या होता है कि एवरेज पाथ, जब कोई भी मतलब जनरली पार्टिकल इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स फोटॉन्स जब तक अपना डायरेक्शन नहीं बदलता है, मान लो इधर से आ रहा था इधर चला गया ऐसे, तो पॉइंट ए और बी एनर्जी और डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, उस पाथ को मीन फ्री पाथ बोलते हैं या एवरेज फ्री पाथ, उसको मैं लैम्डा से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये तो लैम्डा जो है, लैम्डा एवरेज फ्री पाथ जो 4×10^10 आपको दिया हुआ है -8 meter। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैन गिव द एवरेज एनर्जी, तो एनर्जी दैट इज वर्क डन ये है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कहता है कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन मीटर विल बी वोल्ट मीटर। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन गिव एवरेज एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, वी नीड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे सके, तो वर्क डन जो होता है, वर्क डन होता है वो क्यू भी होता है, और दैट वर्क डन फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट के भी इक्वल होता है एफ डॉट डी एक्स। तो यहाँ से जो अगर देखोगे तो यहाँ से जो वर्क डन है दैट इज एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पहले से ये दिया हुआ है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दिया हुआ, और फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई, और डिस्प्लेसमेंट ये मीन एवरेज डिस्प्लेसमेंट दैट इज लैम्डा। तो यहाँ से अगर देखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज ई हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई मीन फ्री पाथ लैम्डा। तो यहाँ से बच्चों ई ने ई को ख़त्म कर दिया, तो ई की जो वैल्यू आ जाएगी 2/λ और वोल्ट पर मीटर में, तो ये जो है वोल्ट, वो वोल्ट एनर्जी था तो वोल्ट पर मीटर, तो 2/λ, तो और 2λ की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है एवरेज मीन पाथ 4×10^-8, तो ये आ जाएगा 1/2×10^-8, तो ये आ जाएगा 0.5×10^-8 या 5×10^7 वोल्ट पर मीटर, दैट इज द सोल्यूशन। तो ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है, तो 5×10^7 दैट इज सी ऑप्शन हम लोग का सही है। ठीक है,